जैसे कि आपने फेस मास्क, हेयर मास्क तो इस्तेमाल किए होंगे। जैसे कि फेस और हेयर्स हमारी बॉडी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, वैसे ही हमारी आँखें और हमारे होंठ भी हमारी बॉडी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। आपको पता है सबसे पहले झुर्रियाँ आँखों के आसपास ही पड़ने लगती हैं, क्योंकि वहाँ की स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है। इसीलिए अगर आपकी एज 25 है तो आपको आइस मास्क ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। आज मैं आपको कुछ अफोर्डेबल आइस मास्क के बारे में बताऊंगी और इसके अलावा लिप्स मास्क के बारे में बताऊंगी। काफ़ी लोग सोचते हैं सिर्फ डार्क सर्कल्स को दूर करने के लिए या जो होठों की पिगमेंटेशन है, डार्कनेस, उसे दूर करने के लिए ही ये जो मास्क हैं इनको इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इनके बहुत सारे फ़ायदे हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हुए बताएंगे। उम्मीद करती हूँ अभी तक आपने ब्रिजवासी गर्ल को सब्सक्राइब कर लिया हो। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे रेजिश्योर के ये तीन मास्क के बारे में, जो कि लिप मास्क है और ये आई सीरम मास्क है और अंडर आई पैड्स है। देखिए पहले बात कर लेते हैं लिप मास्क के बारे में, तो ये आपके होठों को काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेट रखता है। अगर डार्कनेस आ गई है, होठ काले पड़ गए हैं, तो ये उन्हें उनके नेचुरल कलर में लेकर के आता है, आपके होठों को फटने नहीं देता है। होठों के आसपास जो रिंकल्स आ जाते हैं ये उन्हें दूर करता है। इसीलिए जो लिप मास्क है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये तीनों ही प्रोडक्ट डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड हैं, क्लिनिकली टेस्टेड हैं, तो बिल्कुल सेफ़ हैं, पैराबिन फ्री हैं, वर्जिन हैं, नॉन एनिमल टेस्टेड हैं, इनका किसी भी तरीके का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। बात कर लेते हैं ये जो लिप मास्क है इसको आपको कैसे इस्तेमाल करना है। तो अपने होठों पर लगाना है, इसको 10 मिनट के लिए छोड़ना है, 10 मिनट के बाद इससे मसाज करते हुए आपको रिमूव कर लेना है। बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट की, तो इसमें इंग्रेडिएंट बहुत ही अच्छे अच्छे इस्तेमाल किए गए हैं। इसमें बेरी एक्सट्रैक्ट का यूज़ किया गया है, इसमें फ्रूट एक्सट्रैक्ट यूज़ किए गए हैं, मलबेरी एक्सट्रैक्ट है, तो इसके जो इंग्रेडिएंट है वो बिल्कुल सेफ है। ये आपकी होठों की स्किन को बहुत ही सॉफ्ट टाइट रखते हैं, साथ के साथ जो डार्कनेस आ गई है, कालापन आ गया है, उसे ये गुलाबी रंग देते हैं। बात करें इसके प्राइस की, तो आपको इसमें 5 मास्क मिल जाते हैं और इसका जो MRP है वो है 250, लेकिन ऑनलाइन ये आपको काफ़ी ज़्यादा बजट में मिल जाएंगे, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये इतने कॉस्टली नहीं होते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं आई सीरम मास्क की, तो ये एक ब्राइटनिंग मास्क है। जैसे कि आजकल हर किसी को डार्क सर्कल्स, किसी को थोड़े होते हैं, किसी को ज़्यादा होते हैं, लेकिन होते हैं, काफ़ी बार हमें नहीं पता चलता, लेकिन जब दूसरा कोई हमारी तरफ देख रहा होता है तो उसे पता चलता है, हमारी जो आँख है उनके ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, आसपास कालापन होता है। तो आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, ये फाइन लाइंस को रिड्यूस करता है, रिंकल्स बहुत जल्दी पड़ने लग जाते हैं, आँखों के आसपास सरवटें पड़ने लग जाती हैं, उसे ये रिमूव करता है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, स्मूथ करता है, जो डार्क सर्कल्स पड़ गए, कालापन आ गया है, ये उसे ब्राइट करता है, लाइट करता है। ये आई सीरम मास्क एक आता है और ये आपकी कॉस्ट पड़ेगी 200 रुपीज़, ये MRP है, डिस्काउंट आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। अगर आपकी आँखें अच्छी होती हैं, आपकी आँखों के पास डार्क सर्कल्स नहीं होते, रिंकल्स नहीं होते, आपका फेस खुद ब खुद बहुत ही अच्छा दिखने लगता है। इसके इंग्रेडिएंट भी बिल्कुल सेफ हैं, इसमें एलेंटोइन है, नियासिनामाइन यानी कि वाइटामिन B3 है, इसमें ग्लाबरा रूट का इस्तेमाल किया गया है, हेजल एक्सट्रैक्ट है इसमें, तो इसके जो इंग्रेडिएंट हैं वो बिल्कुल सेफ हैं, आपकी स्किन को आँखों के आसपास कोई भी परेशानी नहीं। अब आते हैं अंडर आई पैड्स की, जो कि कोलेजन को बढ़ा देता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है कोलेजन कम होता है, रिंकल्स आते हैं, डार्कनेस आती है, तो ये आपकी स्किन से कोलेजन को बढ़ा देता है। ये आपकी स्किन पर जैसे आंखों के आसपास जो पफिनेस आ जाती है उसे दूर करता है, रिंकल्स को दूर करता है, डार्क सर्कल्स को दूर करता है। ये मैन वुमेन, ये तीनों ही प्रोडक्ट मैन वुमेन दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। ये 5 पैड्स आते हैं और इसका जो MRP है वो 250 है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा डिस्काउंट चल रहा है, तो आप वहाँ से लेंगे आपको काफ़ी बजट में आ जाएगा। तो इसके भी इंग्रेडिएंट बिल्कुल सेफ हैं, इनमें नेचुरल चीज़ों का ही इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि विटामिंस का, आलमंड ऑयल्स का, तो आपको टेंशन लेने की उसकी ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कि अभी त्योहारों का सीज़न आ ही रहा है, तो अपने फेस को आप तभी सुंदर दिखा सकते हैं जब आपकी आँखें एकदम चमकती हुई होंगी, ब्राइट होंगी, उनमें कोई भी कालापन या रिंकल्स नहीं होगा, फोटो में भी नेचुरली गुलाबीपन होगा। तो ये तीनों ही प्रोडक्ट, जैसे कि त्योहारों का सीज़न आ ही चुका है, तो आप सुंदर भी तभी दिख सकते हैं जब आपकी आँखों में कोई भी कालापन नहीं होगा,
बिल्कुल भी रिंकल्स नहीं होंगे, तो आप खुद ब खुद बहुत ही ब्राइट और बहुत ही ब्यूटीफुल लगेंगे। तो इन्हें ट्राई कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।